वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर गुड और सेफ होंगे अपने अपने घरों में। आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है और मैं आपके साथ एक ऐसा ब्रांड शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड इस बार मैं जो शेयर कर रही हूँ वो है वो विच इज अगेन सेटन बाई GHC और बहुत ही अच्छी पैकिंग में मुझको रिसीव हुआ था। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है बाई GHC फेस टोनर पोर टाइटनिंग। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसके सीरम और इसका फेस वॉश यूज कर चुकी हूँ और करती हूँ, अभी भी करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो दैट्स व्हाई आई हैव परचेज अगेन। मुझे काफी अच्छा लगा ये ब्रांड, इस वजह से मैंने इसका टोनर भी परचेज कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी आउटर पैकिंग है, आप देख सकते हो। 499 इसका प्राइस है, 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ है एंड ये काफी अच्छा है। क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, 150 ml इसका क्वांटिटी मिल जाती है। मैं आपको इसका इनर पैकिंग दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल में ये आता है, केमिकल नहीं है कोई भी, पैराबेन फ्री है एंड नो एनिमल टेस्टेड एंड इसके अंदर एल्कोहल भी नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। एल्कोहल नहीं होता है तो एल्कोहल वाले ना जो टोनर होते हैं फेस पे से उड़ जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसके अंदर एल्कोहल है तो एल्कोहल उड़ जाता ना इस वजह से। तो इसके अंदर एल्कोहल नहीं है, तो दिस इज अ गुड थिंग। एंड इसके अंदर PHA है जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, एक्सफोलिएट करता है आपके फेस को एंड रेडिएंट बनाता है। एंड उसके बाद में नियासिनमाइड है इसके अंदर, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है और मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ तो ब्राइटनिंग करने में भी हेल्प करता है। एंड तीसरी चीज, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है जो कि अच्छा आपके फेस को हाइड्रेट करेगा। एंड उसके बाद में इसके अंदर अमीनो एसिड है, अंदर जो एजिंग प्रॉब्लम्स होती है इसको दूर करता है और डैमेज होने से भी बचाता है। आपके पास फेस टोनर होना ही चाहिए, फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर लगाना ही चाहिए। मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगी आपके लिए। तो ये काफी अच्छा फेस टोनर है, मुझे ये टोनर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसकी स्मेल की बात करूं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्श स्मेल नहीं है, मतलब टोनर की जैसी स्मेल होती है ना, बस कुछ उस तरीके की स्मेल है। बट अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, जो बहुत ही बेकार लगती है उसकी स्मेल, मुझे अल्कोहल वाली स्मेल बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है। तो इस वजह से ना मैं वैसे टोनर पसंद नहीं करती हूँ। तो ये टोनर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, तो और जो इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है भी है ना, तो वो थोड़ी देर बाद ना उड़ जाती है तो फेस पे उतना पता नहीं चलता है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज भी करता है फेस को, अगर आप ओनली इसको भी लगाएंगे ना तो आपको मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इट इज अ गुड थिंग। तो चलिए अब मैं आपको इसका यूज दिखा देती हूँ और ये इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। सबसे अच्छी मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी है, इस तरह से ओपन करने पर ये इजिली ओपन नहीं होता है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आसानी से खुलने का मतलब है कि आप ट्रेवल फ्रेंडली नहीं होता है वो प्रोडक्ट, क्योंकि आसानी से खुल जाता है तो फिर हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। तो ये आसानी से नहीं खुलेगा, बहुत ही अच्छे से ये लॉक हो जाता है और बिल्कुल भी ये निकलता नहीं है, तो ये चीज बहुत अच्छी है इसकी। तो चलिए मैं आप इसको आपका इसका डेमो भी दिखा देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल बटन को जरूर हिट करना ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फेस टोनर लगाना विच इज अ मस्ट हैव, आपके पास फेस टोनर होना ही चाहिए, फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर लगाना ही चाहिए। मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगी आपके लिए। तो ये काफी अच्छा फेस टोनर है, मुझे ये टोनर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसकी स्मेल की बात करूं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्श स्मेल नहीं है, मतलब टोनर की जैसी स्मेल होती है ना, बस कुछ उस तरीके की स्मेल है। बट अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, जो बहुत ही बेकार लगती है उसकी स्मेल, मुझे अल्कोहल वाली स्मेल बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है, मतलब सच में मुझे बहुत बेकार लगती है वो स्मेल। तो इस वजह से ना मैं वैसे टोनर पसंद नहीं करती हूँ। तो ये टोनर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, तो और जो इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है भी है ना, तो वो थोड़ी देर बाद ना उड़ जाती है तो फेस पे उतना पता नहीं चलता है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज भी करता है फेस को, अगर आप ओनली इसको भी लगाएंगे ना तो आपको मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इट इज अ गुड थिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल बटन को जरूर हिट करना ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
तो चलिए मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।